शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक पैर पर कितनी दूर चलेगा? अबे साले, और जल्दी नहीं आ सकता था क्या? रखो, तू यहीं चुप कर इंतजार कर। 3 घंटे में यहां से इंदौर के लिए एक एसटी बस निकलेगी, तो वो बस पकड़ और कहीं गुम हो जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, यहां वापस मत आ। मेरे बारे में कुछ सुना फिर भी नहीं। अबे डरा क्यों रहा है साले? तुझे क्या होने वाला है? नर्क जा रहा हूं तेरे लिए तैयारी करने। नो चांस कबीर, छोड़ना ये सब, जाने देना लड़की को। तू जा, चल बाय। तू जा। इतना साफ फुल कर दो। बस अब तेरे सारे गेम्स ओवर। नाउ यू आर डेड मैन। Don't move. जला दूंगा।
दो हफ्तों के लिए रात में बाहर जाना बंद। You've got to be joking, Mom. I'm not a kid anymore. अगले महीने में 18 साल की होने वाली हूँ। I mean, आपकी 18th birthday पर आप मैरिड थी और प्रेग्नेंट भी थी। याद मत दिलाओ। You can't do this to me, नानी। But Mom, Christmas Eve पर देर हो ही जाती है। तो रात के 3 बजे तक तुम चर्च में थी। Nothing doing. 9 बजे से पहले बैक होम। That's so unfair, Mom. एक मिनट, प्रेशर की दवाई ली आपने? जाइए अभी जाकर ले लीजिए। जी अच्छा। Come on, Mom. इस हफ्ते तीशा की एंगेजमेंट भी है। उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा ना? हाँ, और फिर उसके बाद न्यू ईयर भी आ रहा है ना? वो तो साल में एक ही बार आता है ना? और फिर 10 तारीख को मेरा बर्थडे भी है। फिर तो माइंड ब्लोइंग पार्टी होनी चाहिए, मजेदार खाना, नाच गाना। एग्जैक्टली, और डीजे बुक करने के लिए तो डिस्को जाना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल, मैं तो आज तक दिन में कभी डिस्को गई नहीं हूँ। 2 हफ्ते, 9 बजे। दो हफ्ते क्यों? मैं तो हमेशा के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझे एक बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मुझे डैड चाहिए। उन्हें यहां बुलाइए मॉम, प्लीज। विक्रांत रायना हमारा कोई नहीं है। That's what you think. आपने उन्हें डिवोर्स दिया था, मैंने नहीं। सोनिया, he's my dad, damn it. 8 साल के लिए आपने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया, पर अब बहुत हो चुका है। कुछ भी हो, इस बच्चे के लिए मुझे डैड चाहिए। लीजिए 2125755555 नंबर जानती हूँ, एड्रेस और ईमेल भी, लेकिन आपकी परमिशन के बिना कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी। लीजिए, डायल कीजिए। फोन क्यों? उसके पास ही चली जाओ, अपना बर्थडे भी वही जाके मना लो। मुझे भूल जाओ, मेरे साथ जो हुआ उसे भी भूल जाओ। Here we go again, this emotional blackmail. सोनिया बहुत हो चुका, बोलने दीजिए उसे, मुझे सुनना है। What's the point? आपका ब्रोकन रिकॉर्ड फिर से शुरू हो जाएगा। वो कठोर है, वो घमंडी है, he's so selfish. उससे भी और ज्यादा। और एक बार फिर मुझे उनसे मिलने की परमिशन नहीं मिलेगी। So what's the bloody point? सोनिया रुको। वो मेरे डैड है। I miss him. वो डॉक्टर मलिका के घर में मेरी फीलिंग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सोनिया, इट्स ओके माँ, जाने दीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा,
तो आ जाएगी वापस। वो तो आ जाएगी, मगर 8 साल हुए हैं मलिका, तुम्हारा गुस्सा कब ठंडा होगा? कौन हो तुम और ये सब क्या है? What's this bloody place? This is a kidnapping. मैंने तुम्हें किडनैप किया है। Yeah, sure. Okay now, Sara, Amrita, Divya, come on out now, girls. Surprise party का plan बहुत अच्छा है. Except for one thing. आज मेरा बर्थडे नहीं है. No girls. No birthday. सिर्फ मैं और तुम्हारा ये जेल. Okay now. Games up girls. चलो माफ कर दिया. मेरा बर्थडे आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, हाँ? I mean क्या फर्क पड़ता है? सारा, अमृता, मुझे इस वक्त यहां से जाना है. कम ऑन, मूव इट, ओपन द डोर. नहीं तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती. तुम्हारे बस में कुछ नहीं है. चाय पी सकती हो? चाय लोगी? Enough! Don't
पुष्मी। अब याद करो आज सुबह क्या हुआ था। तुम स्विमिंग करने गई थी, ठीक से याद करो। याद आया, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही कम बुरा होगा। हाँ अमृता, मैं सारा के घर भी गई थी, सबको फोन करके देख लिया, वो कहीं नहीं है। ऐसा भी क्या गुस्सा? अच्छा अगर उसका फोन आएगा तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? मैंने अपने भी मोबाइल से ट्राई किया मगर अभी भी नॉट अवेलेबल। लगता है पुलिस को ही इन्फॉर्म। सोनिया तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ। सोनिया इस वक्त घर नहीं आ सकती, इनफैक्ट कल भी नहीं, परसों भी नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि मैंने सोनिया को किडनैप किया है। किडनैप? कौन बोल रहा है? सोनिया कहाँ है? रॉन्ग क्वेश्चंस। क्या सोनिया जिंदा है? क्या वो कभी घर वापस आएगी? These are the right questions. तुम्हारे लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोनिया अब तक ठीक है। बात करना चाहती हो अपनी बेटी से? बात कर लो मम्मी से। मॉम, नो नो प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करो। और बात करना चाहेंगी आप? देखो तुम्हें जो भी चाहिए तुम बोलो, पर प्लीज सोनिया को कुछ मत करो। मेरे सिर्फ दो आसान से इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, अगर तुमने हेलो पुलिस कहा तो साथ में बाय बाय सोनिया भी कह देना। और दूसरा, कल दोपहर 12 बजे तक इसी फोन पर मुझे विक्रांत रायना चाहिए। विक्रांत? विक्रांत क्यों? लुक, तुम मुझसे कहो, मैं उसकी माँ हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी। मुझे विक्रांत रायना चाहिए इस फोन पर 12 बजे। विक्रांत अमेरिका में रहता है, वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं। इंडिया में है। What? विक्रांत रायना इंडिया में है। लोग कहते हैं कि मैं घमंडी हूं। Yes, I am, and I'm proud of it. लेकिन मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं लालची हूं। कोई मुझे कठोर कहता है, ग्रेट, दिन बन जाता है। मैं और जो कुछ भी हूं, मैं हद से ज्यादा कामयाब हूं। अगर किसी को मेरी कामयाबी से जलन होती है तो अच्छा है, अगर कोई मुझसे नफरत करता है तो और भी अच्छा है। विक्रांत रायना, प्रेसिडेंट रायना इनकॉर्पोरेटेड, नेटवर्थ $51.7 billion। बट यू नो व्हाट रियली पिसेस मी ऑफ? जब कोई मुझे बेवकूफ समझने की गलती करता है, और यहां वो गलती किसी ने की है। किसी ने रायना टेक से $20 million चुराए हैं, तो अब मेरे यहां आने के तीन अंजाम हो सकते हैं। या तो चोर खुद आगे आए, या कल तक तुम लोग उस चोर को मेरे सामने खड़ा कर दो, या फिर किसी को काम पे आने की जरूरत नहीं। And that is how it has to be. तुम और यहां जरूर कोई बड़ी बात होगी। एक और कोर्ट ऑर्डर, आप पूरे इंडिया में मेरा आना बंद कर दोगी? नो? Then you want a favor, right? Of course, money. बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें, दे दूंगा। वैसे भी काफी दे चुका हूं। Tell me, Malika, what do you want? क्योंकि एक चीज कम है मेरे पास और वो है वक्त। सोनिया। सोनिया? सोनिया has been kidnapped. Thank you.
Hello? Hello? Look, Titch, where the duck have you been? What? Oh, crap. Auntie, sorry. मैं टीशा बोल रही हूँ. सोनिया से बात करनी थी. सोनिया कहाँ है? उसका मोबाइल हर वक्त नॉट रीचेबल है. हाँ, she's out of town. अरे, मेरी एंगेजमेंट छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? हाँ, मैं उसे बता दूंगी टीशा, वो तुम्हें फोन कर लेगी. बाय, टेक केयर. माँ, उसका फोन आया था. हेलो. फोन बिजी था. अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी क्या? विक्रांत यही है, लो बात करो. विक्रांत रायना. पापा? सोनी? पापा, यू हियर? आप सच में आ गए? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट्स रियली यू. पापा, आई मिस्ड यू सो 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 मच. मी टू. मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है. पापा, आप यहाँ इंडिया में हैं, घर पे हैं, और मैं यहाँ तीस के साथ फंसी हूँ. डोंट वरी सोनी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा. मगर इतने साल से क्यों नहीं मिले? Why haven't you seen me for so long? मॉम ने मना किया, कोर्ट ने रोका. मैंने तो कभी ना नहीं कहा ना पापा. हाँ पापा. आए बताओ रायना, इससे पहले सोनिया की याद नहीं आई, या फिर इससे पहले पैसे चोरी नहीं हुए? तुम्हें कैसे पता? Unless तुम्हें गिल्टी, योर ऑनर, गिल्टी. काफी आसान था एक्चुअली. अपने कंप्यूटर पे कुछ बटन यहां दबाए, कुछ बटन वहां दबाए, अर्शक गायब हो गए रायना टेक के $20 million. यहाँ अकाउंट्स में हेरा फेरी हुई और वहां तुम प्लेन में बैठे और जिप करके इंडिया पहुंच गए. प्लान जितना सिंपल होता है उतना ही ब्रिलियंट होता है ना? जब इतने सारे पैसे चुराई लिए हैं तो फिर सोनिया को किडनैप? पैसे कहीं नहीं गए, आराम से तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं. इसी, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ रिवेंज चाहिए, कुछ इंटरेस्ट के साथ. कौन हो तुम? तुम्हारा कल और तुम्हारा कल. तुमने मेरी जिंदगी बदल दी थी रायना, अब मेरी बारी. आज से सोनिया ही नहीं, तुम भी मेरे बंदी हो. उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी हर लम्हा, दिन हो या रात, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा. Go to hell. Hell is right here, Raina. Get out. Get out right now. Ma, इस आदमी से कहिए यहाँ से निकल जाए. You arrogant man. You are going to get my daughter killed. Out of my house. Out now. You are overreacting as usual, Malika. वो वापस फोन करेगा. अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पहले से बाजी उसकी होती. What? और हमारे पास निगोशिएट करने के लिए कुछ नहीं बचता. Can you hear yourself? सुना अपने चहेते विक्रांत को? उसके पास मेरी बेटी है, सारी बाजियां उसकी है, सब उसके हाथ में है. Don't you get it? तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी खो दूंगी. हमारी बेटी, ओके? You get that straight. Listen, Malika, I can't explain. लेकिन वो फोन करेगा. And that is how it has to be. Trust me, Malika. I know what I'm doing. ये फोन बजेगा और अभी बजेगा. I swear, Vikrant,
अगर सोनिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रायना नाखून दोबारा बढ़ सकते हैं, इतना याद रखना। सुनो, तुम जैसा कहोगे विक्रांत वैसा ही करेगा। बोलो क्या करना है। सिस्टर मार्गरेट को सॉरी बोलना है। सिस्टर हु? I don't get what you're saying. पनवेल स्टेशन से ठीक 4:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक ट्रेन निकलेगी। उस ट्रेन पर सिस्टर मार्गरेट होंगी। जब तुम उनसे सॉरी कहोगे वो तुम्हें क्लू देंगी, यही क्लू तुम्हें सोनिया तक पहुंचा सकता है। What is this? ये कोई चाइल्डिश गेम है क्या? हाँ गेम है, और रूल्स भी हैं, मेरे रूल्स। But you know what? बातों बातों में अगर ट्रेन छूट गई तो गेम ओवर। 40 मिनट is ridiculous. मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। It's peak traffic. So fly. So where were we? हाँ, मैं तुम्हें गेम के रूल्स बता रहा था। रूल है कि तुम अकेले खेलोगे, प्राइज है सोनिया, तुम उसे बचाने के लिए खेलोगे और मैं उसका दी एंड करने के लिए। तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने कुछ क्लूज छोड़े हैं, क्लूज को सुलझाओ, सोनिया ले जाओ, बस यही मेरा गेम है। और हाँ, सिर्फ 2 खिलाड़ी, तुम और मैं, नो पुलिस, समझ गए? या दोबारा समझाओ। तुम्हारे लिए मेरी बेटी की जान सिर्फ एक गेम है।
Are you okay, Mr. Raina? मैं आपको पहचानता हूं. Sister Margaret, Raina here. Give me the clue. Come on, hurry up. Give me the damn clue. तुम क्या कह रहे हो? What clue? Okay. I'm sorry. I said it. I am sorry. Oh, वो तुम हो. Sorry कहने के और भी बेहतर तरीके देखे हैं जिंदगी में मैंने. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 जाने दो, 90 बाद किया था जो गुना हुआ अब सजा लो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सजा हुई अब गुना लो. What rubbish is this? किसने दिया ये? नहीं जानती, बस उसने कहा सूट पहना हुआ जो आदमी आकर सॉरी कहेगा उसे ये एनवेलप दे देना. गाड़ी पेन स्टेशन भेज दो नाउ. Are you sure? Computer mistake थी. पूरे 20 million है. Okay मेरा. Phone करते रहना. कुछ नहीं बदला. ताने भी तो नहीं बदले. मेरे घर में सब लोग कौन हैं? मेरी corporate security. तुमने औरों को involve किया है? कोई और नहीं इरफान है. And I trust him. मुझसे पूछे बिना? इसमें पूछने की क्या बात है? Oh no, not again. Not one of those. बिना पूछे तुम हमारी जिंदगी चलाते रहे. घर कहाँ लेना है, सोनिया को कौन से स्कूल भेजना है, मालिका से क्या पूछना. Remember? तुम्हारी पत्नी की राय कभी जरूरी नहीं थी विक्रांत, मगर आज सोनिया की माँ से तुम्हें हर बात पूछनी पड़ेगी. Listen, मैं जानता हूँ you don't like me. और जो मैं करूँगा वो भी तुम्हें ठीक नहीं लगेगा. But that doesn't mean मैं गलत करूँगा. इरफान ने दो कॉर्पोरेट केसेस सॉल्व किए हैं, दोनों किडनैप विक्टिम्स को बचाए हैं और वो भी सिर्फ 4 दिन में. गलत, थोड़ा गलत. एक को 4 और दूसरे को 3 दिन में सोनिया वापस आएगी. दैट्स माय गारंटी. विक्रांत, तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी और घर के सारे नौकर आज से आउट. ओके. सिर्फ तुम्हारा पुराना कुक रहेगा. नानी को मैंने बता दिया है मेरे 4 सबसे खास आदमी इस घर में नौकर बनकर रहेंगे. दैट्स बलराम, मोहन. काम हुआ? सर, एक्चुअली सर वो डोंट वेस्ट माई टाइम. वक्त बहुत कम है हमारे पास. सर कॉलर आईडी इंस्टॉल कर रहा है, सारे इनकमिंग कॉल्स उसमें फ्लैश हो जाएंगे. अगर नंबर फ्लैश नहीं हुआ
We should also tap the phones. It's already done. Phone company से बात हो चुकी है. सिर्फ ये है कि तुम्हें 3 मिनट तक किडनैपर को फोन पे एंगेज करना होगा. Okay. बाहर कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट. अगर उसने बाहर से नजर रखने की कोशिश की तो हम तैयार हैं. यह अविनाश है, ये शाम है. क्या लगता है तुम्हें, किस बात का रिवेंज ले रहा है वो तुम्हारे साथ? पता नहीं, लेकिन मैंने अपने असिस्टेंट्स को कह दिया कि मेरे दुश्मनों की लिस्ट बना के रखे. गुड आइडिया. ये लो, ये रखो, इसे ऐसे एक्टिवेट करते हैं. कोई प्रॉब्लम होगी मैं आ जाऊंगा. एंड वन मोर थिंग, 8 बुलेट्स का क्लिप होता है, और भी क्लिप्स हैं. नो गन्स. गन्स या तो पुलिस वाले यूज करते हैं या फिर क्रिमिनल्स. सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, शायद इसकी जरूरत पड़े. अगर इसकी जरूरत पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. नो गन्स. Love this song. तुम मेरे डैड से बहुत नफरत करते हो ना? You really hate him. 3 साल, दिन रात मैंने बस यही सोचा है, यही प्लान किया है. हर घड़ी बस एक ही नाम, विक्रांत रायना. मगर मैंने क्या किया? मुझ पर दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? Why? Why not? खाना तुमने बनाया, ये मैं कर देती हूँ. नहीं, तोड़ दोगी और नए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर एक भी टूटे तो जान से मार देना. ओके, you like to play games. मुझे भी एक गेम पसंद है. Let's play. Now I'm looking. Now I'm not. Ow! 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 Now I'm looking. फिर से ट्राई करो. Thank you.
So what is she like? बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, बहुत जिद्दी। फिर तुम उससे भी बहुत लड़ती होंगी। उसके जाने से पहले क्रिसमस मॉर्निंग को अगर वो आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ होता तो शायद शायद। सो तुम्हारे साथ उसकी आखिरी याद एक आर्ग्यूमेंट थी, एक लड़ाई थी। फनी, मेरी भी यादें कुछ ऐसी हैं। इट वॉज ऑल योर फॉल्ट, सब तुम्हारी वजह से हुआ। 8 साल तक तुमने मुझे दूर रखा, फिर भी ये सब मेरी वजह से? हम तुम्हारी वजह से लड़ रहे थे। वो अपने बर्थडे पे तुम्हें बुलाना चाहती थी और तुमने मना कर दिया। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैंने तुझसे डिवोर्स मांगा था, सोनिया को बीच में तुमने घसीटा, कोर्ट में साबित करना चाहा कि मैं एक लापरवाह माँ हूँ, सोनिया के अच्छे बुरे की मुझे कोई समझ नहीं है। यू ट्राइड टू से आई वाज नॉट फिट टू बी अ मदर, और इसके लिए तुमने अपना पैसा, पावर, एक्सपेंसिव टीम ऑफ लॉयर्स, इन्फ्लुएंस, क्या कुछ नहीं यूज किया। और क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ था। ईगो नहीं, गुस्सा। लेकिन तुमने सोनिया को मुझसे छीनना चाहा। How can I ever forgive you for that? शायद सोनिया से अलग होने के डर से तुम डिवोर्स की जिद छोड़ देती, बस तुम्हें जाने से रोकना चाहता था। विक्रांत, वेट। रायना, कैसा रहा मुंबई दर्शन? सिर्फ नाम ही नहीं, ये शहर भी काफी बदल चुका है ना? सोनिया को फोन दो, मुझे बात करनी है। नो, आई एम सॉरी, वो तो हो नहीं सकता। गिव अस द डैम फोन नाउ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यू सी, शी इज डेड। व्हाट? जिंदा है। डिमांड करोगे तो ऐसा ही सुनोगे। अब कुछ बिजनेस करें? तुम्हारा अगला क्लू 1,000 रुपए के नोट पर है। और उसके लिए क्या मुझे एयरपोर्ट जाना होगा? तुम्हारे पास कोई अच्छा सूट है रायना? व्हाट? एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हो? अच्छा सूट तो पहनना ही पड़ेगा। आज रात तुम्हारे पुराने बिजनेस राइवल महेश वर्मा की बेटी तीशा की सगाई है। एंड यू नो, तीशा और सोनिया काफी अच्छे दोस्त हैं। वेरी क्लेवर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वर्मा मुझे उस घर में कदम रखने नहीं देगा, तो मैं उस नोट तक कैसे पहुंचूंगा? हाँ, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। तुम सूट पहन के तैयार हो जा। You're going to a party. Damn, ट्रेस नहीं कर सका। I know. 3 मिनट से पहले ही काट दिया। मलिका को पहला फोन कॉल, फिर 3 बार तुम्हें, और अब ये कॉल। कभी लैंडलाइन से करता है, कभी मोबाइल से करता है, हर बार अलग अलग नंबर है। अगले क्लू के लिए मुझे महेश वर्मा के घर जाना पड़ेगा। महेश वर्मा के दो ही शौक है, 2 नंबर का पैसा बनाना और उसे बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाना। उसका घर नहीं, राष्ट्रपति भवन है। मटका किंग वर्मा का घर उसी के होटल के 5th फ्लोर पर है। होटल में हर जगह क्लोज सर्किट कैमराज लगे हैं। बेसमेंट में एक सेंट्रल मॉनिटर रूम है जहाँ से हर वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड पूरे होटल पर नज़र रखता है, और किसी भी प्रॉब्लम की न्यूज़ वो वॉकी टॉकी के थ्रू बाकी आम सिक्योरिटी गार्ड्स को दे देता है। होटल की लिफ्ट तुम्हें सिर्फ 4th फ्लोर तक ही ले जा सकती है। 5th फ्लोर तक लिफ्ट में सिर्फ वर्मा या उसके फैमिली मेम्बर्स ही जा सकते हैं। घर के मेन एंट्रेंस के बाहर भी एक गार्ड हमेशा रहता है। जब वर्मा घर के बाहर जाता है तो हर 2 घंटे में ये गार्ड एक बार घर के अंदर जाकर चेक करता है। एंट्रेंस डोर एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी लॉक से कोडेड है, तो हर दिन बदले जाने वाले पासवर्ड से ही खोला जा सकता है। घर के अंदर भी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, सिवाय वर्मा के स्टडी रूम के। वहाँ ना तो कोई कैमरा है और ना ही किसी को जाने की इजाज़त, और यही वो जगह है जहाँ वर्मा अपना सारा ब्लैक मनी रखता है। उस किडनैपर ने डेफिनेटली ये नोट वर्मा के होटल से चलने वाले सट्टे के जरिए इस कमरे तक पहुँचाया है, और यहीं तुम्हें पहुँचना होगा। तुम्हें पता है गाड़ी कहाँ पार्क करनी है? Mm-hmm.
कम यहाँ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नो थैंक्स। ठीक है तो तुम्हारे डैड को मैं अकेले ही देखता हूँ। डैड? सर विक्रांत रैना। जी सॉरी सर, आपका नाम इस गेस्ट लिस्ट में नहीं है। इज इट? किसी से बहुत बड़ी गलती हुई, अगर वर्मा को पता चलेगा तो बहुत लोगों की जॉब्स जा सकती है, इवन योर्स। सॉरी सर, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। चेक क्विकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रैना? मैं तुम्हारी बेटी को विश करने आया, ऑन बिहाफ ऑफ माय डॉटर। तीशा का मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल लो। सिक्योरिटी। विक्रांत अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सोनिया कहाँ है? शी और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए। चलिए। सोनिया नहीं आ पाई, लेकिन उसने इंसिस्ट किया था कि मैं यहाँ के तुम्हें विश करूं। ओह माय गॉड, दैट्स डैड। तीशा, ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, इट्स हाय एंगेजमेंट। एंड राजीव, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड सोनियास डैड। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन। I'll go and get a drink. Uncle, Sonia आज यहाँ पर डांस करने वाली थी. And since she's not here, I'm going to drag you to the dance floor. All right. तुमने ये सब किया कैसे? जेल में अगर कुछ आजाद है तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग। मैंने उस आजादी का पूरा फायदा उठाया। कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ सीखा। और देखो, वर्मा के घर जाकर एक चिप लगाई। और अब वहाँ लगे हर कैमरा की सारी इमेजेस हम यहाँ देख सकते हैं। Cool, हाँ? तुम जेल में थे? महेश, मीट माय फ्रेंड। मॉनिटर रूम, वहां कैमरा नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। स्मार्ट। चेंज करो ना। प्राइवेट स्टडी, वहां कोई कैमरा नहीं है। कहा
शोला मेरी एक अदा शबनम मेरी आंखों में हरदम हर पल है एक तूफान। मिस्टर वर्मा, ऊपर तुम्हारे प्राइवेट स्टडी में एक चोर घुसा हुआ है। सिक्योरिटी अलर्ट, सब गार्ड्स फेंस फ्लोर पर चेक करो, घर में कोई चोरी कर रहा है। ऑफिसर, बैकअप भेजो। यस सर। वाटर सिस्टम का एंट्री कार्ड लेकर जल्दी लिफ्ट के पास आओ। नो नो नहीं करते हैं। टोनी के गार्ड्स लिफ्ट के पास आओ। सर, वो कोई ब्लैक सूट पहने हुए आदमी था। मैं जानता हूं रैना, तुम्हारा यहां आने का मकसद कुछ और ही है। तलाशी होगी, सबकी तलाशी होगी। सिक्योरिटी, सबको इधर खड़ा कर दो, कोई बाहर ना जाने पाए। मेरे होटल में आकर मेरे घर में घुसकर चोरी की है, सबकी तलाशी ले लो, खास करके वो जो काला सूट पहनकर इस पार्टी में आए हैं। कुछ नहीं है सर। इसमें से एक नोट पर क्लू लिखा हुआ है, फाइंड इट। बल्लू जरा से चेक करो। बाकी के पैसों का क्या करना है? लीव दैट टू मी, मैं जहां बताऊंगा वहां छोड़ देना। थोड़ी सी चैरिटी करनी है।
हे यू, जो जागते हुए इतने बुरे काम करता हो, मुझे सोते हुए चैन कैसे मिल सकता है? क्या तुमने कभी अपने बुरे सपनों को जिया है? मैंने जिया है। ये सब जो मैं कर रहा हूं, इन बुरे सपनों को मिटाने के लिए तो है। और वो तभी हो सकता है जब कोई हमेशा के लिए सो जाए। ईर बीर फत्ते रहे समंदर पर साथ, और हम भैया भय अनाथ। ईर बीर फत्ते अब दिखे दिन रात, सपनों में है होती बात। इन क्लूज का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है। नहीं इरफान, इसमें कुछ तो है, और ये मेरी बिजनेस की दुश्मनी नहीं है, इट्स समथिंग पर्सनल। रिस्ट्रिक्टेड नंबर है, जितनी देर हो सके उसे लाइन पे रखना। रायना, डांस काफी अच्छा कर लेते हो। 90 के बाद किया था जो, 90 सिर्फ 1990 हो सकता है, लेकिन 96 से तो मैं न्यूयॉर्क में हूं, इसका मतलब है 91 से 95। नॉट बैड, लेकिन किसी को अपना दुश्मन बनाने में तुम्हें 5 मिनट भी नहीं लगते। 5 साल में कितने 5 मिनट होते हैं रायना? मैं जान गया हूं तुम कौन हो। तुम सिर्फ एक चोर हो। तुमने मुझे देखा, मेरी अमीरी देखी, और तुमने ये सोचा कि तुम्हें भी ये सब चाहिए। तुमने सोचा कि चोरी कर लूं, लेकिन छोटी मोटी चोरी करके क्या फायदा? तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि रिवेंज सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें आराम की जिंदगी चाहिए, विक्रांत रायना का लाइफस्टाइल चाहिए। देखो, जब तुम्हारे ये नंस और नोट्स के खेल खत्म हो जाएंगे ना, तो बात सिर्फ पैसे पे रह जाएगी, समझे? लेट्स कट दिस क्रैप और सीधा इस गेम के फाइनल ओवर पे आते हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 5 करोड़, 10 करोड़, 20, 30, 40, 50 करोड़? जस्ट नेम इट। मैं अपनी बेटी के लिए तुमसे हारने के लिए तैयार हूं। डील? तुम्हारे पास किसी को देने के लिए पैसों के अलावा और कुछ है भी नहीं रहना। कितनी खुशी मिल रही है तुम्हें ये 2 पैसे के डायलॉग से? बट डू यू थिंक इट रियली बॉदर्स मी? मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारी बकवास टॉलरेट कर रहा हूं। अगर तुम इसे बराबर ही समझ रहे हो, देन यू आर अ सैड केस। तुम जो भी हो वही रहोगे। मुझसे फोन पर बात करके तुम विक्रांत रायना नहीं बन सकते। दुनिया भर की दौलत भी मिल जाए ना, तब भी नहीं। तुम चोर हो और चोर ही रहोगे। कॉल ट्रेस हुआ? लाइना नहीं था, पता लग गया। लोकेशन को ट्रेस करो फास्ट। क्या हुआ? इसमें हार्डली मुंह धोने जितना पानी बचा है। तो मुझे और पानी चाहिए, मुझे नहाना है। तुमने पानी को मिसयूज किया। आई टोल्ड यू लिमिटेड पानी है, अब जो है यही है। चाहो तो नहा लो, चाहो तो डूब जाओ। देखो, आज से तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज समझो, आई नीड टू हैव अ बाथ। Do something, please. Okay. Got the location. Let's go. मौसम ये औसम बड़ा, मौसम ये औसम बड़ा, मौसम ये
सॉरी कुछ अंजाम मौत से भी बुरे होते हैं। इस बड़ों की फोन लाइन टैप कर रखी थी, उसके नंबर से कॉल किया। लगता है बहुत चालाक क्रिमिनल है। क्रिमिनल इरफान, पिछले 10 सालों में मैंने कितने पुलिस कंप्लेंट्स किए हैं? आई वांट अ लिस्ट। ओके, लगता है उसकी तुम्हारे साथ बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी है। याद करो विक्रांत, कौन हो सकता है? आई डोंट नो वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन एक बार उसका पता चल जाए तो उसे नफरत करने की सही वजह दे दूंगा। आई ब्रिंग हिम डाउन। रुको, मैं कर देती हूँ। फेवर करने की कोई जरूरत नहीं है।
कल जो तुम कर सकते थे नहीं किया। हॉलिडे होम तुमने मुझे मेरे घर में रखा। ये सीढ़ियां मुझे याद है, किचन शायद उधर था। आई लव दिस प्लेस। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे वेडिंग एनिवर्सरी, डैड के साथ आखिरी हॉलिडे, तुम्हारी मॉम को ये घर डिवोर्स एलिमनी में मिला। उसके बाद हम यहाँ कभी नहीं आए। डैड की फेवरेट जगह थी, मे बी इसलिए खिड़कियों को सील कर दिया, वहां से भी बंद कर लिया। मुझे यहां रखा, अपने घर में कौन ढूंढेगा। कितनी खराब हालत हो गई है। इतने साल बंद जो था, तुम ये सब कैसे जानते हो। आई वॉज हियर। Happy anniversary. Thank you very much. Happy anniversary. Thank you. Kabir, chalna. Hey, andar chalna. Mr. Raina nazar nahi aa rahe kahin. Wo bas abhi aate honge. He'll be here any minute. Give me this walk. Take it this walk. लड़की से जब आंखें हुई चार, मैंने बोला हाँ जी। लड़की ने कहा मेरे बन जाओ यार, मैंने बोला हाँ जी। एक लड़की से जब आंखें हुई चार, मैंने बोला हाँ जी। लड़की ने कहा मेरे बन जाओ यार, मैंने बोला हाँ जी। संडे को एक रिंग पहनवा दी, मंडे को फिर हो गई ये शादी। वो बोली सारी उम्र करोगे प्यार, मैंने बोला हाँ जी। एक लड़की से जब आंखें हुई चार, मैंने बोला हाँ जी। लड़की ने कहा मेरे बन जाओ यार, मैंने बोला हाँ जी। ओह डैम। Whatever in the world is a man to do when you see a lovely girl like the one I see in you, always. हम खुश थे बड़े हाजी, फिर आया ट्यूसडे हाजी, लौटा घर पे हाजी, वो रूठी रूठी मिले मुझे छत पे खड़े। डर डर के कहा हाजी, क्यों है मुझसे खफा हाजी, फिर चली गोलियां हाजी, हाय भूला कैसे भूला तूने मेरा बर्थडे। ओह
Wednesday ko mangi maine maafi Thursday boli ye nahi hai kaafi Friday ko mujhe kasam khila di char maine bola haan ji ek ladki se jab aankhein hui char maine bola haan ji ladki ne kaha mere ban jao yaar maine bola haan ji oh no I'm all over me, stuck on you. You got me man down to the knees, baby. I'm all over me, stuck on you. Whole Saturday, Sunday, Haji. वो हर दिन गम दे, Haji. कहाँ फंस गया बंदे, Haji. हैं गोरी गोरी बाहें गले के फंदे, दिन साल महीना, Haji. मेरा चैन छीना, Haji. मुश्किल हुआ जीना, Haji. मैं चुप चुप सा हूँ ये जितने सितम दे, इंडिया में तो डेमोक्रेसी घर में शोहर की ऐसी दासी यहाँ पे चले बीवियों की सरकार बोलो सब हाँ जी लड्डू है ये ऐसा जो भी खाए बचता है हाँ जी शेर सारे घर आके चूहे बन जाए हाँ जी Chewing gum aisi hai ki jo bhi ye chabaye Haji Ugli na jaye na hi nikli ye jaye Haji Ek bichara sab ko ye samjhaye Shadi barbaadi hai hai shadi hai Bilkul Haji Shadi barbaadi hai hai shadi hai Shadi barbaadi Hai shadi hai Hai shadi hai ए रघु जल्दी करना यार अरे पहले बाने देगा तू कबीर कम आउट आउट कितनी बार मैंने मना किया है तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए लेकिन सिस्टर आपने ही कहा था ना कि हम दूसरे बच्चों जैसे नहीं है हमें उनसे ज्यादा मेहनत करके उनसे पहले सब कुछ सीख लेना चाहिए वैसे भी गाड़ी गलत जगह पर खड़ी थी तो जोसेफ से कहो ना गाड़ी हटाने के लिए He will do it. सिस्टर, जोसेफ अपना बर्थडे मना रहा है देखिए गाड़ी क्या चलाएगा कबीर कबीर ओह माय गॉड जीसस ये कैसे हो गया डोंट वरी बच्चा हम जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे लेकिन सिस्टर हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम एक घंटा लगेगा और हमारी वैन भी खराब है कबीर कबीर प्लीज डू समथिंग मेरी मदद करो कबीर कबीर कुछ करो कबीर प्लीज प्लीज हेल्प मी कबीर यस यस वी विल अरे जोसेफ जोसेफ कबीर ये मेरे पापा की गाड़ी है शिट तुम यहाँ क्यों आए मुझे ये गाड़ी ले जानी है प्लीज गेट आउट नो 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 ये मेरे पापा की गाड़ी है पापा मुझे इसकी जरूरत है मैं वापस लौटा दूंगा नो 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 ये मेरे पापा की गाड़ी है तुम्हें बैठना है बैठो मैं चला रहा हूँ She's very serious. Broken shoulder blade, upper spinal cord, main injury,
और सर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अगले 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे कि टीचर सोने। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने वेरीफाई कर लिया है, ये लड़का सच बोल रहा है। इसका एक दोस्त गिर गया था, अब हॉस्पिटल में है। देर हो जाने की वजह से उसके एक पैर में काफी डैमेज भी हुआ है। बट आई डोंट थिंक कि आपकी बेटी को किडनैप कर रहा था। हाँ, गाड़ी चुराने के लिए, मगर ये इसका पहला ऑफेंस है सर, शायद जज समझ जाए तो। स्टॉप, कम है। वो देखो वहां, वो मेरी बेटी है सोनिया। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगले 24 घंटे तक अगर वो सांस लेती रही तो ही वो उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर भी चांसेस कम है। और इसकी वजह है ये लड़का। लेकिन लेकिन सर, शट अप एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। हम दोनों जानते हैं अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हारी गन इसके सर पे होती। मगर सच तो ये है, सच ये है कि इसने जबरदस्ती मेरी बेटी को मेरी ही गाड़ी में डाला और उठाकर ले गया। सच ये है इंस्पेक्टर की सोनिया की जान जा सकती है, और मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। देखो इसकी आंखों में देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें साफ दिखाई देगा कि इनमें चोर है, किडनैपर है, और बहुत जल्द ये ड्रग डीलर होगा, रेपिस्ट होगा, खूनी होगा। आई मेक श्योर ये लड़का हमेशा जेल में ही रहे, और अगर कभी किसी ने भी इसकी तरफ नरमी दिखाने की कोशिश की, मेरे वकील वहां होंगे। इसकी जगह सलाखों के पीछे ही है। He has committed a crime and he is a criminal. विक्रांत, राइना से लेवस गिल्टी, और वो काफी था। तुम्हारे डैड की कंप्लेन की वजह से सिस्टर मार्गरेट को ऑफनेज छोड़ना पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। और हाँ, मैंने 7 साल जेल में काटे, पर उस दिन हुआ क्या था तुमसे कभी पूछा गया? I thought so. सच की परवाह किसे है? मैं बहुत सीरियस थी, पापा का गुस्सा, it's understandable. मगर मैं उन्हें सच अब बता सकती हूँ। सच? The truth? Who cares? कोई गरीब है, उसे गलती हुई तो फेंक दो सजा की समुंदर में, धूल धुला के हमारी सोसाइटी के लायक बन करने के लाएगा। मगर जेल में गंदगी धोई नहीं जाती। गुनाह, गुस्सा, तड़प, दर्द, इन रंगों में बार बार डुबोया जाता है, सालों साल, जब तक इंसानियत का रंग हमेशा के लिए उतर ना जाए। बस एक रंग बचता है, नफरत का रंग। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा था, मगर जो सजा तुम दे रहे हो क्या वो गुनाह से बहुत बड़ी नहीं है? तो इसके बारे में क्या कहती हो? What do you say to this? किसी भाई के पहले खाना खा लिया था ये चाकू से, उम्र 14 साल प्लस 6 महीने सजा, और गुनाह बड़ा या सजा बड़ी? ये 11 साल का गूंगा था, उसकी मदद की, प्राइस जेल में और टाइम। ये वाले तो बहुत स्पेशल हैं, 2 साल और मिले थे, जेलर पी के मारता था। बस यूं ही जब पकड़ा गया बोला मैं भागने की कोशिश कर रहा था, किसका गुनाह और किसको सजा? Stop it, please. जो तुम सुन भी नहीं सकती उसे मैंने हर पल जिया है, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को बचाना था, और अब तुम्हारे डैड को तुम्हारी जिंदगी बचानी है। देखते हैं इसके लिए विक्रांत रैना क्या क्या करता है। Let's just wait and watch. के बारे में ईमेल आया है। मिस्टर रैना ने 3 कंप्लेंट्स किए थे, एक मुंबई में 1992, कोई राजन चौधरी, उम्र 35 साल। नहीं, चौधरी की उम्र ज्यादा है, दिस किडनैपर इज यंग। फिर एक कबीर देवेंद्र शर्मा, उम्र 14, 1995 अलीबाग, कोई अनाथ था। हिरेन मेहता, उम्र 30 साल, मुंबई में स्टॉक ब्रोकर था 1995। क्या नाम था? हिरेन मेहता। नहीं नहीं, उससे पहले कबीर शर्मा, अलीबाग, अनाथ। कबीर फतेह रहे समंदर पर साथ,
That's it. तुम्हें याद है वो लड़का पार्टी के दिन अलीबाग में सोनिया को उठा के ले गया था और गाड़ी भी चुराई थी? एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स याद है। इट्स हिम। मुझे यकीन है कबीर इज द किडनैपर। कबीर शर्मा, सारी डिटेल्स, मूव क्विक। यस सर। आर यू श्योर? वो तो बच्चा था। यस, वो ही है। ये जो क्लूज में लिखा है ना, सब उसी की तरफ इशारा करते हैं। इट ऑल एड्स अप। कबीर शर्मा। विक्रांत फोन, वही होगा। स्टॉप। क्या? ये फोन कोई नहीं उठाएगा। लेकिन विक्रांत। जस्ट डोंट पिक अप द फोन। विक्रांत ये क्या कह रहे हैं? डोंट पिक अप द फोन। लेकिन कब तक विक्रांत? पता नहीं। I just don't know मलिका। लेकिन इतना जानता हूं कि हमारे फोन ना उठाने से वो कुछ ऐसा करेगा जो उसने प्लान नहीं किया।
सब गलत हो रहा है मां। तुम सब ठीक कर दोगे विक्रांत, ये मेरा विश्वास है और मल्लिका का भी। मल्लिका और मैं, हम दोनों, हाउ डिड इट ऑल गो रॉन्ग? कुछ बातें बिना कहे समझी जाती हैं और कुछ कहनी जरूरी होती है। तुम्हारा प्यार हमेशा से उसके साथ रहा है, बस उसने तुमसे कभी ये सुना नहीं। उसके पास जाओ विक्रांत और कहो कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हें उसकी जरूरत है, ये उसके लिए काफी होगा। मल्लिका कहाँ है? जहां वो हमेशा जाती है जब वो परेशान होती है। सिद्धि विनायक मंदिर। वॉलेट ले लो, लेकिन कैश नहीं है इसमें। कैश के आगे भी कुछ सोचते हो? गिव मी द वॉलेट। ड्राइव। सोनी, सोनी तुम ठीक हो ना? ये निशान इसने दिया तुम्हें? यू बिकम सो, फोटोज देखे फिर भी यकीन नहीं आ रहा, यू सो ग्रोन अप। व्हाट? मैं अच्छा लग रहा हूं? थैंक्स। क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। मॉम, मॉम कैसी है? परेशान है, शी मिसेस यू अ लॉट। तुम भी मिस करती हो उसे, कह दूंगा। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, तुम कहोगी। आफ्टर ऑल दिस इज ओवर, आई गेट यू आउट ऑफ दिस, आई प्रॉमिस। मेरा निशाना चुका नहीं है रायना, आई वॉज एमिंग फॉर द फ्रूट्स। रायना, अगर मैं यहां से 100 राउंड्स चलाऊं तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि एक आध बार मेरा निशाना चूक जाए और गोली जाके सोनिया के सर पे लगे, चेहरे पे लगे, गले पे लगे। लेट्स सी। नो, स्टॉप इट, नो, स्टॉप इट, डोंट डू इट। व्हाई नॉट? आज के तमाशे के बाद व्हाई द हेल नॉट? लिसन, ये सोनिया की लड़ाई नहीं है, इट्स बिटवीन यू एंड मी एंड आई एम राइट हियर। गन घुमाओ और शूट मी। आई टोल्ड यू, सिर्फ दो लोग, तुम और मैं। आई टोल्ड यू द रूल्स। नो मोर,
आई प्रॉमिस, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। आई फाइंड दैट वेरी हार्ड टू बिलीव। इतने सालों बाद मैंने अपनी बेटी को देखा है, उसे दोबारा देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जानता हूं, इसलिए तुम्हें यहां लाया हूं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अपने सिक्योरिटी के आदमी को हटा दो। ही विल गो, आई प्रॉमिस। आज के बाद वो इस केस पे काम नहीं करेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द गेम। तुम्हारा फोन, और इस पर लिखा है तुम्हें अगले क्लू के लिए क्या करना है। क्या हुआ विक्रांत? मैंने तुम्हारा सिग्नल फॉलो किया और ये वॉलेट मिला। कभी ने फिर कुछ? इरफान, तुम्हें इस केस से हटना होगा। व्हाट? लेकिन क्यों? कबीर ने आज विक्रांत को सोनिया से मिलवाया और उसे ट्रैकिंग डिवाइस का पता लग गया और ये वॉलेट फेंक दिया। आई विल सॉर्ट हिम आउट। नो यू वोंट। उसे तुम्हारे सारे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया है। अब तुम इस केस से दूर रहोगे, ये कबीर की डिमांड है। क्योंकि वो ये जानता है कि सिर्फ मैं ही उसे पकड़ सकता हूँ। Why don't you understand? इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। दो बार वो मुझसे जीत चुका है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। सवाल तुम्हारी हार जीत का नहीं है इरफान, इट्स अबाउट सोनिया। तुम इसे अपना पर्सनल मैटर मत बनाओ। ओके फाइन, अगर तुमने अपना फैसला कर ही लिया तो ठीक है, बट लेट मी टेल यू, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। मेरे आदमी यहीं रहेंगे Just for your safety. Take care. सुनो, तुम लोग यहीं रहना और कुछ भी हो बताते रहना। ये क्या है? अगले क्लू के लिए मुझे देवापुर जेल से एक कैदी को फरार करना होगा। ये मैडम, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मुझे जेल सुपरिंटेंडेंट से इसी वक्त मिलना है। बैठिए, कहिए क्या काम है? हमारे पास कंप्लेंट्स आई है कि आपकी जेल में कैदियों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है। अब आप हमें सिखाएंगे कि कैदियों के साथ कैसा बर्ताव करना है? हाँ रघु, हे रघु, इधर 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 इधर, कहाँ जा रहा है? मुझे जांच करनी है, कैदियों से मिलना होगा। इस वक्त सरप्राइज चेक है।
अरे ये क्या हुआ शिंदे? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। शिंदे? जी साहब। काय झालं? चांस आहे, चांस आहे। सब कैदियों की हाजिरी लेना शुरू कर। प्यास है, चांस है, चांस है, चांस है। जल्दी फटाफट फटाफट। पेपर्स है। देखिए पेपर है पर आप सुबह लेकर आइएगा। अभी आप जाइए। कबीर ने तो बोला था पका के लेके जाओगे, तुमने तो खुद ही को लॉक कर दिया। नो चांस। हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। अच्छा प्लान बताओ। तुम्हें वो सफेद वैन नजर आ रही है? हम उसी में निकलेंगे। वैन कौन चलाएगा? वो खूबसूरत लेडी? वो मेरी वाइफ है। वैन की तरफ जा रही है वो। वैन में बैठ गई है वो। वैन लेके गेट की तरफ जा रही है। चली गई वो। अभी तो नो चांस। हाजिरी हो गई? हाँ हो गई है। पूरा का पूरा ताला ही बदल दिया। चांस है, चांस है। सोच रहे हो ना? सोचो सोचो, अभी रात है तो चांस है। एक बार सुबह हो गई तो फिर नो चांस। वो किचन है? हाँ। मेरी बेटी कहाँ है? बोलो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे नहीं पता, और अगर पता होता भी तो भी नहीं बताता। नो चांस। बचपन में मुझे बचाने के लिए कबीर ने तुम्हारी गाड़ी चुराई और वो जेल गया। वो तुम थे? हाँ मैं, और उसे जेल से भगाने के चक्कर में मैं जेल गया। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है हुँ? लेकिन तुम्हारे पास एक भी ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे लिए जेल जा सके? है तुम्हारे पास ऐसा कोई?
मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है और मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, बस। शायद ये तुम्हारी मदद करे। इचक दाना बीचक दाना, स्वर्ग में हो जब आना जाना, क्यों घबराना। इचक दाना बीचक दाना, राक्षस का भी यही ठिकाना, सो घबराना। चलो अब तुम्हें मुझे हाईवे पर छोड़ना है। मुझे छुड़ाने के लिए थैंक्स। एक पैर पर कितनी दूर चलेगा? अबे साले, और जल्दी नहीं आ सकता था क्या? रखो तू यहीं चुप कर इंतजार कर। 3 घंटे में यहां से इंदौर के लिए एक एसटी बस निकलेगी, तो वो बस पकड़ और कहीं गुम हो जाना। चाहे कुछ भी हो जाए यहां वापस मत आ। मेरे बारे में कुछ सुना फिर भी नहीं? अबे डरा क्यों रहा है साले? तुझे क्या होने वाला है? नर्क जा रहा हूं तेरे लिए तैयारी करने। नो चांस कबीर, छोड़ना ये सब, जाने देना लड़की को। तू जा, चल बाय। तू जा। इतना साफ फुल कर दो। बस अब तेरे सारे गेम्स ओवर। नाउ यू आर अ डेड मैन। Don't move. जला दूंगा। विक्रांत मैंने पकड़ लिया। चला जस्ट चला। पिछले 1.5 घंटे से मैं उसे फॉलो कर रहा था। उसे पता भी नहीं चलता हूं मैं सोनिया तक पहुंच जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, डोंट मेक इट पर्सनल, जस्ट स्टे अवे इरफान, स्टे अवे।
ईर बीर फते रहे समंदर पर साथ, नब्बे बाद किया था जो स्वर्ग में हो जब आना जाना, राक्षस का भी यही ठिकाना। नब्बे के बाद किया था जो 1995 समंदर अलीबाग, अनाथ वो खुद, जहां वो है सोनिया वही है, स्वर्ग स्वर्ग मलिका, उसने सोनिया को हमारे ही घर में रखा है। Shit. I'm still here. Surprised? भाग जाती तो तुम मर जाते। ये फर्क है हम दोनों में। इस सब से कुछ नहीं होने वाला। Shut up. Now listen carefully. फोन उठाओ, मेरे डैड को कॉल करो, वो यहां आएंगे और मुझे ले जाएंगे। मैं चाहती हूं ये सब इसी तरह खत्म हो। नो, इट्स नॉट ओवर। यस इट इज। भूल जाओ सब कुछ, हम भी भूल जाएंगे। नो पुलिस, नो कंप्लेंट्स, नथिंग। अब तुम सही काम करोगे। कॉल माई डैड राइट नाउ। सुनिए, यही है। आई कैन फील इट। I'm sorry. सोनिया कहाँ है? जिंदा है, और मैं भी जिंदा हूं। मुझे मरवाने की पूरी कोशिश की तुमने। तुम्हारे कहने पे मैंने इरफान को इस केस से निकाल दिया। मेरा यकीन करो, आई एम नॉट इन्वॉल्व। लिसन, तुम्हारे क्लूज को सॉल्व करके हमने सोनिया की लोकेशन ढूंढ निकाली, फेयर एंड स्क्वायर। अब हमें हमारी बेटी वापस लौटा दो। इतनी आसानी से नहीं रहना। मैं डिसाइड करूंगा क्या फेयर है और क्या नहीं। सोनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। क्या? मर्डर।
वेलकम टू द रेव। एक ऐसी दुनिया जो न हकीकत है न माया। यहाँ हर कोई सांस तो ले रहा है मगर जिंदगी से बहुत दूर है। सब इस कदर बेहोश हैं, न दिन की खबर है और न रात की। आज यही तुम्हारी दुनिया है, रोशनी और अंधेरे के बीच की दुनिया, मेरी दुनिया। टर्न राइट, देयर आर टू बार्स। जो बार तुमसे दूर है उसकी तरफ जाओ। पहुंच गया, नाउ व्हाट? व्हाट यू डू अबाउट? ऑर्डर अ ड्रिंक। एक्सक्यूज मी, या अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। या श्योर। बर्फ भूल गए। थैंक्स, नो आइस फॉर मी। आइस लो राइना, और खुद लो। बार काउंटर के पीछे आइस बॉक्स खोलो, उसमें तुम्हारे लिए एक न्यू ईयर्स गिफ्ट छोड़ा है मैंने। एक्सक्यूज मी, डू यू नीड समथिंग डूड? नो थैंक्स बडी। Cheers. ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो? कौन है वो? उससे मेरा क्या कनेक्शन? कनेक्शन होना जरूरी नहीं। Keep moving. कनेक्शन तो जरूर है। जो कुछ भी तुमने मुझसे करवाया है उन सब से हम दोनों का कनेक्शन है। पहले सिस्टर मार्गरेट, जो तुम्हारी मेट्रन थी, तुम्हारे जेल जाने के बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। फिर तुमने मुझसे चोरी करवाई और उन्हीं पैसों को तुमने अपने ऑर्फनेज में डोनेट कर दिया। तुम्हें ये भी पता है? और फिर रघु, तुम्हारा दोस्त, उसे जेल से फरार मैंने करवाया और दोस्ती तुमने निभाई। स्टॉप। व्हाट? वो आ गया है। टर्न लेफ्ट। सामने एक नीले रंग का आदमी नाच रहा है। हाँ, लुक एट हिज लेफ्ट। बटरफ्लाई जैकेट में वो तुम्हें नजर आएगा। He has a ponytail. I see him. उसके पीछे ही रहना। By the way, you're right. Connection है। वो तुम्हें जानता है। इसलिए संभल के, कहीं तुम्हें देख ना ले। कौन है वो? इस कहानी का आखिरी कैरेक्टर। बस वो खत्म हो जाए, कहानी खत्म। हमें ठीक 12 बजे शूट करना है। 12 बजकर एक मिनट भी नहीं चलेगा। डांस फ्लोर के बीच में जाकर खड़े हो जाओ और उसे नजर मत हटाना। गन निकालो। एक गोली सोनिया को आजाद कर देगी। द काउंटडाउन हैज बिगन राइना। I can't. You can. You have to. I can't. I can't. It's not worth it, Raina. You have to kill him. No. Uski jaan, Sonia ki jaan. Wo tumhari beti hai, Raina. Ye aadmi ya Sonia. Come on, Raina. Just pull the trigger. Choose. Sonia alive, Sonia dead. Sonia alive, Sonia dead. Sonia dead. Sonia dead. Happy New Year!
सॉरी। I'm sorry। यही कहकर भगवान से माफी मांग रहे हो ना? किसी की जान लेने के लिए या फिर उस इंसान को मारने के लिए जो तुम्हें तुम्हारी बेटी तक पहुंचा सकता था? सॉरी, सालों पहले हॉस्पिटल में एक बच्चा भी तुमसे यही कहना चाहता था, I'm sorry। लेकिन तुमने मौका नहीं दिया और उस दिन से उसकी जिंदगी में सिर्फ नफरत थी। माफी नहीं। एक 14 साल का लड़का था, उसने बिना पूछे एक गाड़ी ले ली, इल्जाम लगा किडनैपिंग का और उस पर हमेशा के लिए क्रिमिनल का स्टैंप लग गया। आज एक आदमी है, उसने एक्सीडेंट किए, दूसरों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, किसी के घर में चोरी की, जेल से एक कैदी को फरार कर दिया और फिर उस आदमी ने एक इंसान की जान। अगर एक गाड़ी चुराने के लिए मुझे क्रिमिनल कहा गया तो यह सब करने के लिए तुम खुद को क्या कहोगे? उस आदमी की एक मजबूरी थी, उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी। उस लड़की को भी अपने दोस्त को बचाना था और अगर वो सब करने के लिए मुझे 7 साल की सजा हुई, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? जो मैंने 7 दिनों में जिया है उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? एक बेगुनाह इंसान को मारने का एहसास, अपनी बेटी को हमेशा खो देने का ख्याल, इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेरी बीवी, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, हर पल उसकी आंखों में दर्द और तड़प देखने से बड़ी सजा और क्या हो सकती है? मेरी सारी दौलत और ताकत मेरे किस काम की? लेकिन आज मैं उस बच्चे को और तुम्हारी नफरत दोनों को समझ सकता हूं। तुम बेकसूर थे, मैं गलत था। तुम्हारी नफरत जायज है कबीर, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, मेरी सोनिया के लिए नहीं। आई डोंट हेट यू मिस्टर रायना, नॉट नी मोर। वो लड़का जिसकी हर सांस में सिर्फ नफरत थी, तुमने उसे मार डाला। आज यहां से एक नया कबीर जाएगा जिसका कोई अतीत नहीं। आज यहां सिर्फ एक लड़का ही नहीं, एक आदमी भी मर गया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। आदमी चाहते हुए भी अपना अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आज को सुधार सकता है, अपने कल को बदल सकता है। कबीर,
सुनी 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 पापा सुनी पापा 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 जिया ना पापा What do you think, Sony? Who's better? Well, I... Hey, that's not fair, huh? Kyun? Sony, who's better? Come on. Dono. Mind-blowing thing. Actually, aap dono, you know, you're the coolest couple. And the world's best parents. I'm really... Dad... I... Oh God, I'm so sorry. I'll be back. Excuse me. Don't worry. Hey, you. Kabir. मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स। दैट्स गुड, एक्चुअली इट्स क्वाइट कूल। मुझे तुमसे सॉरी कहना था, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, यू डिडंट डिजर्व इट, सो आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरे मॉम डैड साथ हैं, सो आई गेस वी क्विट्स। ओके बाय, मैं चलता हूं। कबीर, आई विश यू द वेरी बेस्ट इन लाइफ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। You deserve it. Thank you, Sonia. Have a good life. Just one thing. अगली बार स्विमिंग करने जाओ, ज्यादा दूर मत जाना। So, how many boyfriends do you have, Sonia? Let me guess. No, Dad, don't listen to Mom. Let me tell you. China
जाए उजड़े सावे।